अक्सर लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आर यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू और बिकम यूज्ड टू क्या है। जैसे वी आर यूज्ड टू टी या वी गेट यूज्ड टू टी या वी बिकम यूज्ड टू टी। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। चाहे आपका है आर यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू या बिकम यूज्ड टू, इन सभी का मतलब होता है आदि होना। और सबसे अच्छी बात है कि ये सभी वर्ड्स एक दूसरे की जगह आप यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए इन सभी बातों को एग्जांपल्स में डिटेल से समझें। अगर आपको कहना हो कि हम लोग चाय के आदि हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी आर यूज टू टी। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए भी कह सकते हैं वी गेट यूज टू टी। और अगर आप चाहें कि इसे बिकम से बोले तो आप कह सकते हैं वी बिकम यूज टू टी, यानी हम लोग चाय के आदि हैं। ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट में हैं। बाय द वे, इस तरह के सेंटेंसेस को आप पास्ट में बोलना चाहें तो आप कहेंगे वी वर यूज टू टी या वी गॉट यूज टू टी या वी बिकेम यूज टू टी। यानी पहले सेंटेंस में आप आर के बजाय लिखेंगे वर, और दूसरे सेंटेंस में गेट का सेकेंड फॉर्म बोलेंगे गॉट, और तीसरे सेंटेंस में बिकम का सेकेंड फॉर्म बोलेंगे बिकेम। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको कहना हो कि हम लोग इसे करने के आदि हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी आर यूज्ड टू डूइंग दिस या वी गेट यूज्ड टू डूइंग दिस, या फिर आप ये कह सकते हैं वी बिकम यूज्ड टू डूइंग दिस। यानी इन तीनों में से कोई आप बोल सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप यहाँ सोचे कि टू के बाद मैंने बोला डूइंग, यानी टू के बाद मैंने बोला आईएनजी फॉर्म। ऐसा कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आता, जबकि ऐसा सोचना सरासर गलत है। टू के बाद आप आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं। इसका एक कंडीशन है कि ऐसा होगा तो आप टू के बाद आईएनजी फॉर्म लिखें, और ऐसा हो तो टू के बाद आईएनजी फॉर्म न लिखें। मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को मैंने आई के सिंबल में रखा है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इन सेंटेंसेस को पास्ट में बोलना चाहें तो आप कहेंगे वी वर यूज टू डूइंग दिस, यानी हम लोग इसे करने के आदि थे। वी गॉट यूज टू डूइंग दिस, हम लोग इसे करने के आदि थे। या वी बिकेम यूज टू डूइंग दिस, हम लोग इसे करने के आदि थे। यानी तीनों का मीनिंग सेम है। हो सकता है आप सोचे कि इनका फ्यूचर क्या होगा, तो आइए तीन एग्जांपल्स फ्यूचर पर देख लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि हम लोग चाय पीने के आदि रहेंगे, तो आप कहेंगे वी विल बी यूज टू टेकिंग टी। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को बिकम से भी बोल सकते हैं, जैसे वी विल बिकम यूज टू टेकिंग टी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि आर यूज टू, गेट यूज टू और बिकम यूज टू क्या है, या वर यूज टू, गॉट यूज टू या बिकेम यूज टू क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।